सिद्धू का। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। चैनल हम शिवानी दीदी के घर आए थे आज कि हम दीदी को बोलेंगे थोड़ा हमारा भी, मतलब एक तो हमें दीदी से मिलना था। हम रूम है दीदी का, वाओ कितना अच्छा है, अच्छा है। झंडा जो दीदी बोलते थे ना वीडियो में, हमारा घर का झंडा लहर रहा है, वो यही वाला झंडा है। ठीक है, ओए होए हम आ गए शिवानी दीदी के घर पे। हाँ तो दोस्तों, हम जा रहे हैं शिवानी दीदी के घर पे। नया वाला घर तो हमने देख लिया है अभी, पता नहीं अब दीदी बोल रहे हैं कानपुर में, या पता नहीं कानपुर में होंगी नहीं, यहाँ पे होंगी, कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं, एक्चुअली हम बहुत सुबह सुबह आ गए हैं, पता नहीं दीदी गुस्सा ना करने लगे। तो उनके गांव तो हम पहुँच गए, उनका नया घर भी देख लिया है, बनाया हुआ बड़ा अच्छा था। वैसे दीदी हैं, नमस्ते आंटी, दीदी हैं, नमस्ते आंटी, बहुत दूर से आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आए हैं दीदी से मिलने के लिए। दीदी और सब ठीक है? नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? ईशा कहाँ है? ईशा तो शिवानी दीदी तो नहीं मिल पाए हैं अभी, ठीक है। तो ईशा मिली है घर पे, तो हम तो ईशा के भी फैन हैं, क्योंकि शिवानी के बाद ईशा ही संभालती है सब कुछ, तो हमें तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। चलो ईशा तो मिली है, बाकी दोस्तों शिवानी दीदी कानपुर जा रखे हैं। किसी अगर कोई सब्सक्राइबर आ रहा हो ना, वो मत आना, ठीक है, क्योंकि शिवानी दीदी जा रखे हैं 15-20 दिन के लिए, पूरे यहाँ पर नहीं है। तो जो भी कोई आने का सोच रहा हो ना, हम तो एक्चुअली चंडीगढ़ से आए हैं, बहुत दूर लोकेशन से आए हैं, 600 किलोमीटर दूरी से। अगर कोई भी आने का सोच रहा है ना, तो कोई भी मत आना, क्योंकि शिवानी दीदी आपको घर पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं। और ईशा भी नहीं मिलते, क्योंकि स्कूल जाती है, अभी भी स्कूल जा रही है ईशा, तो अभी भी मतलब हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए मना ही करा है। बाकी मैंने कहा चलो थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह की है, बाकी ईशा हमारा चैनल प्रमोट कर दो, सब्सक्राइब ब्लॉग चैनल का नाम, सब्सक्राइब ब्लॉग, हाँ लाइट जल रहा है, सब्सक्राइब ब्लॉग। ये दीदी आई हैं इतनी दूर था, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। हाँ। इनके चैनल को नाम है सब्सक्राइब ब्लॉग। हाँ सब्सक्राइब ब्लॉग है, और ये ईशा है, ठीक है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ईशा की फैन हूँ, बाकी तो क्या बोलें यार, दीदी नहीं मिल पाए, पर कोई बात नहीं, क्या हो गया, नमियाँ ही मिल पाए। तो बाकी दीदी का घर है, ईशा है, ईशा को तो आप जानते ही होंगे, है ना, ईशा शिवानी दीदी की भांजी है, और बाकी हाँ कभी नहीं आएंगे क्या शिवानी दीदी? नहीं पता नहीं, हाँ वो आए थे, वो और मान लिया ना उनकी शादी, मान लिया किसी को नहीं देखा। तो वो जहाँ रहते हैं ना जीरकपुर, पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमें उनका पता भी नहीं है, पर हम भी उधर ही रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। और लेट हो गई है स्कूल को, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, थोड़ा सा 7 बजे को बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं तैयार हो बिना का है। तो कह रहे मैं भी बर्तन धुलवा दूंगा, लेट हो गई है दीदी, बोल देना सर को आज के आज देखो हम बता गया 3 दिन तक स्कूल नहीं गए हैं सर का बोल दिया, और 5 मिनट लेट हो जाना। अरे दीदी ना जाने ना, ऐसा घर घर कह रही है, घर दिखाने के लिए बोल रही हूँ, घर दिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा समझ लो ना यार, 5 मिनट से ज़्यादा मैं लूँगी नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूँगी, सिर्फ 5। तो आप चले जाओ, वो सीधो घर है, वो देख लेंगे। अब तैयार होकर आ जाओ, फिर हम देखते हैं, आओगे तैयार होगा फिर हम बुना ही खाना ना खाएंगे, खाना आज मत खाना। आ रहे हो, वेट करें वहाँ पे, आप चल लिया दीदी, देख लियो, देख लो, देख लेते आ जाना, फिर भी 2 मिनट।
सो दोस्तों हम आए थे शिवानी दीदी से मिलने, और शिवानी दीदी तो जा रखे हैं कानपुर, वो तो हमसे मिले ही नहीं क्योंकि वो कानपुर जा रखे हैं, रात को चले गए थे। और बस फिर हम ईशा से मिल लिए, तो अभी हम शिवानी दीदी का ना नया वाला घर देखेंगे क्योंकि शिवानी दीदी तो मिले ही नहीं हमें। वाह कितना अच्छा घर है, छोटे वाले गेट में ताला लगा रखा है, अंदर नहीं जा पाएंगे, खुलेगा नहीं ये हाँ गेट। अच्छा कुंडी लगी है, ताला लगा है इसका, कैसे वो दगड़ चाबी, ये पक्की बनी है, मिट्टी की नहीं है, मुझे लगा था मिट्टी का होगा बट मिट्टी का नहीं है, मिट्टी का कलर है लेकिन पूरा पक्का बना हुआ है, प्लास्टर वगैरह हो रखा है। बहुत अच्छा है यार घर, उधर लिखा हुआ है शिवानी कुमारी, कमरा है, वाओ कितना अच्छा, अंदर से प्लांट्स भी बहुत अच्छा कर रखा है, 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 है। सो दोस्तों ये है शिवानी दीदी का घर, आप देख सकते हो ये पूरा है, अंदर से ताला लगा है भी क्योंकि अभी शिवानी दीदी है नहीं है तो फिर ताला मार रखा है, बाकी मम्मी है वो भी बीमार है और घर पे कोई भी नहीं है, वो कह रहा है चाबी, यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली फिट हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बिजली वाले जो काम करने आए थे ना वो रात को चाबी लेके चले गए, तो फिर अभी हम क्या बताएं, कुछ भी नहीं हो पाया, शिवानी दीदी से भी नहीं मिले, देखो उनका घर है ये, इतनी दूर से आए थे हम, चंडीगढ़ से आए थे हम, आप कुछ बोलना चाहोगे, मैं रिकॉर्ड करूं। कितना सुंदर है शिवानी दीदी का घर, हे भगवान, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सपना था नहीं, इधर आओ जल्दी से, और ये गमले कितने अच्छे हैं, वाह वाह हाँ, ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब इतने ज्यादा अच्छे, पर ये मुझे बहुत पसंद आई है ये डिजाइन, मतलब सच में यार, मतलब ऐसा घर ना मैंने दुनिया में मतलब देखा ही नहीं है, ऐसा घर मैंने पहली बार, वाओ। दोस्तों ये शिवानी दीदी का है, ये हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब है कर लेना, और फेसबुक पे हमारा नहीं है अभी, ठीक है, यूट्यूब पे हमारा सब्सक्राइब ब्लॉग के नाम से है चैनल। हम शिवानी दीदी के घर आए थे आज कि हम दीदी को बोलेंगे थोड़ा हमारा भी, मतलब एक तो हमें दीदी से मिलना था, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे दीदी से मिलने के लिए करना, ठीक है, यूट्यूब पे हमारा सब्सक्राइब ब्लॉग है, हमें सपोर्ट करना, बाकी सच में यार घर तो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा, ये क्या चीज़ बनवाया उन्होंने, ये मुझे लगता है वो तो नहीं है तुलसी रखने का, पानी भरने का, वाओ फ्लावर कितने सुंदर है ये वाले, ऐसा लग रहा है सच में यार रेड फ्लावर इतने सुंदर लग रहा है, ये बेल तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना मैं बता नहीं सकती, ये फ्लावर्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वाओ हैंड पंप पैर धो लेती हूँ, हाथ भी धो लेती हूँ। हाँ मुझे लगता है ये किचन है ना, यहाँ पे किचन बनेगी शायद, नहीं नहाने का ये किचन नहीं है, ये बाथरूम है दीदी की, ठीक है, आके ना छी आके ना पॉटी करके चले जाते हैं लोग, इतने सारे मिलने के लिए आते हैं तो साफ तो की नहीं होगी, ये नहाने का बाथरूम है, आ जाओ ये है रूम है दीदी का, वाओ कितना अच्छा है, ये है मतलब अलमारी जो कि इसमें आप सामान रख सकते हो, ठीक है, वाओ ये स्विच कैसी है, ये स्विच है जो, ये अलमारी कितनी अच्छा है यार, पुराने टाइम में हमारे घर पे भी ना 20 साल पहले ऐसी अलमारी होती थी, डिजाइन नहीं था बट अलमारी ऐसी सी होती थी कुछ, और ये खिड़की भी बहुत अच्छी है, मतलब कि यार कितना अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी फिट है, और ये है वो मशीन, इस पर अभी ना काम चल रहा है, यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है, तो इसी करके ना एक कमरा ये है, इसमें भैया सोए पड़े हैं, ये क्या चीज़ है, ये रसोई नहीं जीना है, जीना हाँ,
और ये है तकत दीदी का, ये है सीढ़ी, चढ़े चढ़ो सीढ़ी। वाह कितना अच्छा है झंडा, जो दीदी बोलते थे ना वीडियो में हमारा घर का झंडा लहर रहा है वो यही वाला झंडा है, ठीक है वो यही वाला झंडा है और छत भी बहुत अच्छी है। आ जाओ सो गाइस, फाइनल हम दीदी के घर पे पहुंच गए शिवानी दीदी के घर पे, पर हम यहाँ ना शिवानी दीदी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि वैसे दीदी ने संडे को जाना था पर है ना आए दिन इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे थे और बस वो लोग अपनी वीडियो के लिए आ रहे थे, उनसे पूछते नहीं थे, अंदर घुस के यहाँ पे वैसी वीडियो बनाने लग जाते थे, तो फिर है ना वो क्या कहते संडे के बजे वो पहले ही निकल गए कल शाम को। और आज वैसे सोमवार, हम बुधवार को निकले थे, आज वीरवार है, वैसे उनको संडे को जाना था पर वो चले गए, तो हम भी आए ईशा से, हम आए मिलने ईशा से, मिलने के बाद फिर ईशा को स्कूल भी जाना था तो उसने जितना हो सके हमारा सपोर्ट तो किया, हमसे वीडियो भी बनवाई और सो के उठे तो आपको पता है इंसान थोड़ा सा सोया सोया सा रहता है, उनको अगर उठा दो सोए इंसान को तो ऐसा लगता है कि गुस्सा भी आ जाता है कि एक तो नींद भी नहीं लेने दे रहे पूरी, तो थोड़ापन वो सब दिख रहा था, वो भी जायज है क्योंकि अगले को यार उठाए जा रहे हो बार बार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना। तो हम वैसे वापस जाने वाले हैं और वैसे हमारी ट्रेन 2 बजे की है पर हम ये सोच रहे हैं हम 7 बज रहे हैं, बाकी टाइम हम कहाँ पे स्पेंड करें क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बाकी टाइम कहाँ स्पेंड करें, तो बस जैसे तैसे टाइम अब हम स्टेशन पे सोचने काटेंगे। और वैसे शिवानी दीदी का घर है ना वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि वो पता नहीं, पर अभी हम आए ना बस मतलब ठीक है, छोटा सा है और काफ़ी सुंदर सा है वीडियो में, तो वैसे है ना जितना देखने को हमें मिलता है ना कि जैसे कि वीडियो में तो आपको पता है वो खूबसूरती नहीं देखने को मिलती, पर अगर आप रियल में आके देखोगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है घर। और ये देखो घर, घर के हर एक चीज़ पे है ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रखा है, ये जो पेंट है ना ये पेंट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे वाला पेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, ये देखो घर को। और क्या कहते हैं सामने, हम बस वापस जाने वाले थे, हम बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि फर्स्ट एड की यार की अब वापस हमको मिलने को मिलेगा नहीं क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए थे ना, और तो फिर अंकल ने ना बोला कि ऐसा करो आप वीडियो बना लो, अगर इसके घर की वीडियो बनानी है वीडियो बना लो, इतना हो सकता है अगर दीदी से अगर आप नहीं मिल पाए हो, तो अब हम वीडियो बना के जा रहे हैं। वैसे हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे फिर कभी, वैसे कि जब वो दीदी ठीक हो जाएंगे ना घर पे, अगर आ जाएंगे फिर आएंगे हम यहाँ पे, फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे बना करके। वैसे है ना अभी तक की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और सपोर्ट भी करना यार, काफ़ी दूर आए हैं अभी तक तो फिलहाल सही चल रहे हैं, चल पड़े हैं। ये मेन गेट तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना कि क्या बताऊँगी, एकदम सबसे ज़्यादा मस्त लग रहा है गेट। और बीच में देखो ये दीदी यहाँ पे ना हमेशा पार्टी करा करती हैं सबके साथ मिल करके, तो ये शायद उन सब मक्के के वो हैं, सारे लोग बैठ के यहीं पे बैठ के खाते हैं मज़े मारते हैं, काश दीदी भी हमें मिलने को मिल जाती। वैसे भी लाइट की फिटिंग हो गया, वैसे जब हमने वीडियो में देखा था तो लाइट की फिटिंग नहीं, सब चीज़ की फिटिंग हो गया, बहुत जल्दी कनेक्शन भी हो जाएगा, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खुला डुल्ला है, बहुत ज़्यादा अच्छा घर बनाया दीदी ने, काश हम मिल भी पाते। बस ये भी मिलने के बराबर ही है, इतना कुछ हमें देखने को मिल गया बनाने को मिल गया और ऊपर से घर के अंदर हमें एंट्री मिल गई, वो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग दीदी के घर पे आ रहे हो ना तो अभी बताना क्योंकि दीदी नहीं है, ठीक है, और बाकी घर देखने आने तो आ सकते हो, ठीक है, घर देखने के लिए आप आराम से आओ और मिलो, सबसे मिल सकते हो, लेकिन दीदी नहीं मिलेंगे घर पे क्योंकि हम आए आज, आज दिन क्या है, आज दिन है वीरवार, आज दिन है वीरवार, तारीख है 22 तारीख, दीदी घर पे नहीं है, दीदी जा रखे हैं, तो जो भी कोई आ रहा है प्लीज मिलने मत आना दीदी, हाँ, और उनको परेशान मत करना क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो ना रोज़ ही 1000-2000 बंदों से मिलते हैं, उनके ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी करके वो फ्रस्ट्रेट होकर ना यहाँ से जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा परेशान मत करना, आप कुछ मतलब आना, ज़्यादा लोग मत आना, उनकी वीडियो ही देखना, ठीक है। बाकी हम लोग भी आए हैं इतनी दूर से, हम तो चंडीगढ़ से यानी 600-1200 किलोमीटर दूरी से है ना, तो अभी हम आके हम चले जाएंगे, दीदी हमें मिलेंगे नहीं, बाकी हमने घर देख लिया है, घर उनका इतना अच्छा है कि ऐसा घर तो ना आपने मतलब सच बताऊँ मैंने तो मैं 26 साल की मैंने नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा घर नहीं मतलब यूनिक है, यूनिक जो यूनिक वर्ड होता है ना वो वाला घर है दीदी का, मतलब जितना मर्जी बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो
उसने भी ऐसा घर अपने माइंड में कभी सोचा नहीं होगा जो कि दीदी ने दीदी के माइंड में क्रिएट करके उसको बनाया है। तो बहुत लोग तो दीदी के घर को देखने के लिए आते हैं और हमें भी घर देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि शिवानी दीदी चलो नहीं मिले कोई बात नहीं, अगली बार पर घर तो मिल गया ना, हम घर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने घर देखा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे तो घर, और बाकी सब कुछ यहाँ पे प्लांटेशन हो रखा है, ये देखो इस तरह से है ना, और नीम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे नीम का पेड़ लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है, इधर आ जाओ। बाकी ना यहाँ पे बारिश हो रही है, हम बारिश में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये तख्त पड़ा हुआ है दीदी के घर पे, और ये पूरी है ना दीदी का, ये दिया देखो कितना अच्छा। तो दोस्तों ये है दिया, मतलब दीदी ने ना एक एक चीज सोच समझ के बनवाई है ना दिया। दिया बहुत शुभ होता है घर के लिए, मतलब बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं इस तरह से दिया, जलता हुआ दिया, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाकी फ्लावर्स हैं, ठीक है, दीदी ने इतनी अच्छी प्लांटेशन की हुई है, घर में ही नल लगाया हुआ है ना, और मतलब जो कलर है, जो मतलब यहाँ पे एक एक चीज, मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा माइंड लगा के बनाई है ये सब चीजें, कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसा घर मैंने ना कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी घर होता है, बट ऐसा घर मैंने देखा है। तो ये सिर्फ शिवानी दीदी के माइंड का ही खेल है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि शिवानी दीदी है ना मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, और आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया शिवानी दीदी को, और भी प्यार देना। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारा चैनल है सब्सक्राइब ब्लॉग, हमें भी प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। ठीक है, अभी तो शिवानी दीदी मिल नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इस यहाँ पे दोबारा आएंगे, शिवानी दीदी से मिलेंगे। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी यहाँ पे दोबारा विजिट करेंगे शिवानी दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि अभी तो शिवानी दीदी मिले नहीं है। ठीक है, बाकी ये पूरा घर का है, मतलब घर देख के तो मुझे ऐसे हैरानी हो रही है ना, वाह वाह नजर निकल गया। बाकी ये कमरा है, ठीक है, और मतलब बारिश हो रही है, बारिश में मैं वीडियो बना रही हूँ, बारिश और क्या बोलूँ है। अच्छा, तो दोस्तों मुझे ना ये ऐसे लग रहा है जैसे भैंस को पानी नहीं पिलाने के लिए रख बनाते हैं, पर यहाँ पे भैंस तो दीदी बांधेंगे नहीं उसमें। ठीक है, पूरा ये है दीदी के घर का ना, मुझे ये चीज़ का, मुझे अपने घर भी ऐसे ही बनाना है लाइफ में, मतलब कि मैंने सोच रखा है मेरे पास ज़मीन होगी ना, मैं ऐसा ना बरामदा रखूँगी, इसको बोलते हैं बरामदा गाँव की लैंग्वेज में, हाँ गाँव की लैंग्वेज में इसको बरामदा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो ड्राॅइंग रूम बोलते हैं है ना, मतलब शहरों में जो खुली उसको बोलते हैं ड्राॅइंग रूम। ठीक है, ये हमारे गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं बरामदा, तो ये बरामदा है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा है दीदी का। ठीक है, ये जो बरामदा है ना यहाँ पे मतलब कि गर्मी लग रही है, मंजा बिछा के बैठ जाओ, नीचे तिरपाल बिछा के सो जाओ, क्या जाता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि मिट्टी है, ये है वो है, उछाव से करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगाव ही मिट्टी से होता है, इसीलिए दीदी ने ये घर मिट्टी का ही पूरा बनाया हुआ है, मतलब मिट्टी का ही लग रहा है देखने में, बट ये घर पूरा पक्का बना हुआ है, इतना अच्छा। एक एक चीज़ ना दीदी ने मतलब ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है, ये देखो दोस्तों, दीदी के लिए ना लोग माला लेके आते हैं, दीदी ने माला यहाँ पे टांगी हुई है जो कि सूख चुकी है। बाकी ये खिड़की बहुत अच्छी लग रही है मुझे, खिड़की है ना, यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो लाइट चली जाए ना, तो यहाँ पे दिया भी लगा सकते हैं, दिया मोमबत्ती, मतलब लगाने के लिए भी अलमारी होती है। बाकी इसमें कुछ कुछ रखते हैं यहाँ पे, जैसे ब्लॉक करते करते हम फोन रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अलमारी है बहुत अच्छी। बाकी दीदी का मेन गेट मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो गमले भी मुझे बड़े अच्छे लगे, मतलब कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लग रही है मुझे, ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसा होता है ना, मतलब एक दवास में बना होता है कि बहुत ही ऐसे चिड़चिड़ापन आता है वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है खुला डुला ऑक्सीजन, यहाँ पे आराम से मैट बिछा के मैं तो सुबह सुबह रोज योगा भी कर सकती हूँ अगर मेरा घर हो तो। इधर यूट्यूब, हाँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ यार सपोर्ट करना, हम बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, सिर्फ दीदी से मिलने और दीदी का घर देखने के लिए आए थे। ठीक है, दीदी तो नहीं मिल पाए, तो दोस्तों प्लीज़ यार आप सपोर्ट करना, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि हमारे चैनल का नाम है सब्सक्राइब ब्लॉग, जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हो। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।